हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। चलिए और देर ना करते हुए सीधा पहेली की तरफ चलते हैं। एक दिन बबीता जी अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग कर रही थी, तभी वहां पर अय्यर आ जाता है। अय्यर बबीता जी की बनाई तस्वीर की तारीफ करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इन तीनों में से कौन सी तस्वीर बबीता जी ने बनाई है। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सी तस्वीर बबीता जी ने बनाई है? इस पहेली का जवाब देने के लिए आपको सभी सुरागों पर ध्यान देना चाहिए। पहेली को सुलझाने के लिए आपके पास 10 सेकंड हैं। चलिए घड़ी को शुरू करते हैं। अगर आपको इस पहेली का जवाब मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताना। समय समाप्त। तो दोस्तों, क्या आपको जवाब मिला? अगर नहीं तो चलिए जवाब जान लेते हैं। ये बीच वाली तस्वीर बबीता जी ने बनाई है। जरा उनकी कलर ट्रे में देखिए। कलर ट्रे में दिखाई दे रहे सभी कलर इस तस्वीर में हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस पहेली का जवाब मिल गया था। चलिए आज की दूसरी पहेली की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जेठालाल को अपनी बिल्ली से बहुत प्यार था। वो अपनी बिल्ली से इतना प्यार करता था कि उसने अपने सभी कपड़ों पर अपनी प्यारी बिल्ली की तस्वीर प्रिंट करवा दी। जब इस बात का पता दया भाभी को लगता है तो वो बहुत नाराज होती है। वो इतनी ज्यादा नाराज हो जाती है कि जेठालाल से बात करना बंद कर देती है। क्या आप बता सकते हैं आखिर दया भाभी इतनी नाराज क्यों है? अगर आपको इस पहेली का जवाब पता है तो मुझे कमेंट करके बताना। आपके पास 10 सेकंड हैं। चलिए घड़ी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको और ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सोच सकते हैं। चलिए अब जवाब जान लेते हैं। जरा इस तरफ ध्यान दीजिए। दरअसल जेठालाल ने बबीता जी की एक ड्रेस पर भी अपनी बिल्ली की तस्वीर प्रिंट करवा दी थी। जाहिर है ये बात दया भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चलिए अगली पहेली की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ढेर सारे सी दिखाई दे रहे हैं। आपको एक ऐसा सी ढूंढकर निकालना है जिसका फॉन्ट बाकी सभी से अलग है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए घड़ी को शुरू करते हैं। अगर आपको वह सी मिल गया है तो मुझे कमेंट करके बताओ। समय समाप्त। चलिए जवाब जान लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सीम मिल गया था। चलिए अगली पहेली की तरफ चलें। दोस्तों, जेठालाल बहुत देर से इन दोनों तस्वीरों में 3 अंतर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या आप जेठालाल की मदद कर सकते हैं? आपके सामने एक जैसी दिखने वाली 2 तस्वीरें हैं और इन दोनों तस्वीरों में 3 अंतर हैं। आपको ये तीनों अंतर 10 सेकंड में ढूंढकर निकालने हैं। चलिए घड़ी को शुरू करते हैं। समय समाप्त। उम्मीद है दोस्तों आपने ये तीनों अंतर ढूंढ लिए थे। अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों में क्या क्या अंतर थे। पहला अंतर, यहाँ से एक मुर्गी गायब है। दूसरा अंतर, यहाँ से एक झाड़ गायब है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना तीसरा अंतर क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सभी पहेलियाँ पसंद आई होंगी। इसी तरह की मजेदार पहेलियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।